हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रणवीर रॉक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टेप अप ऑनलाइन डांस कंपनी। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सुपर डांसर्स के ऑडिशन जो कैंसिल हो चुके हैं, क्या कारण हुई, क्या वजह हुई जो सुपर डांसर्स सीजन 3 के ऑडिशन कैंसिल हो चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो करिए और स्क्रॉल करके वीडियो का सबसे नीचे जाइए और कमेंट करिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बताते हैं कि सुपर डांसर्स चैप्टर 3 के जो ऑडिशन निकले हुए थे डेट, आपको बता दें कि हमने इस पर वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना कर डाला था और आप लोगों ने हमसे कॉल कर बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि कैंसिल क्यों हो गए, क्या वजह थी, बहुत सारे सवाल, तो उसी पर हमको आज वीडियो बनाना पड़ा। तो बता दें कि 2 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक इसका ऑडिशन डेट रखा गया था सोनी टीवी चैनल के द्वारा, लेकिन ऑडिशन डेट तो निकाल दिया गया। जैसे 2 अक्टूबर को जयपुर में, 4 को रांची में, गुवाहाटी में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में वगैरह में बहुत सारे सिटीज में निकाला गया था, लेकिन एड्रेस किसी को ये नहीं बताया गया था। सोनी चैनल वालों ने एड्रेस नहीं किसी को बताया था, नहीं तो अपने टीवी पे बताया था, नहीं तो अपने वेबसाइट पे बताया था, नहीं तो अपने सोशल साइट पे बताया था। तो हमने सारा सोशल साइट, उनका वेबसाइट, यहाँ तक कि सोनी सब टीवी चैनल पे भी मैंने कई घंटे तक टीवी भी देखा। हो सकता है कि बताया बताया लेकिन बताया नहीं। पहले होता था कि जैसे ऑडिशन वगैरह जब भी आता था तो ऑलरेडी डांस प्लस का हो या डीआईडी का हो या सुपर डांस हो, तो मेरे पास मेल आता था, मेल भी नहीं आया। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि हो सकता है कि कैंसिल हो चुका है। तो अब एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि जैसे जयपुर में 2 अक्टूबर का डेट निकला था, रांची में 4 अक्टूबर का डेट निकला, लेकिन एड्रेस नहीं बताया गया। तब तक नहीं बताया गया मतलब कि आज 4 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर बीत चुका है और 2 अक्टूबर का अभी तक भी मतलब गूगल पे सर्च किया जा रहा है तो 2 अक्टूबर का डेट अभी तक कमिंग सून लिख रहा है। इसका मतलब है कि सुपर डांसर चैप्टर 3 का जो ऑडिशन निकाला गया था पहले, वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि इससे ही हम लोग जानते हैं और इससे ही मतलब पता चलता है कि कैंसिल हो चुका है। और वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी मेरे पास पहुँचा है, हेल्पलाइन नंबर है मेरे पास, तो उसमें हम कॉल भी किया, एक दो बार, तीन चार बार कॉल भी किए, मैसेज भी किए, लेकिन कोई रिप्लाई, उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमारे पास कॉल कर रहे थे, मैंने उस सभी को बता दिया। और आप लोग अब हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं पे सोच रहे हैं सुपर डांसर 3 का ऑडिशन देने के लिए, तो आप सुपर डांसर 3 का ऑडिशन देने इस डेट को, जो डेट निकाला गया था, इस डेट पे आप मत जाइए, क्योंकि जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और वे वजह आपके पैसे फालतू में खर्च हो जाएंगे। तो इसको आप वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जैसे ही अपडेटिंग आएगी मैं बताऊंगा अपने चैनल पे और आप सभी को पता चलेगा, तो आप जा करके ऑडिशन देंगे। और एक बात ये बता दें कि जब तक आपको एड्रेस नहीं पता होता है तब तक आप किसी भी सिटीज में ऑडिशन देने के लिए नहीं जाएं। मेरे पास एक कॉल आया और बोला गया था कि सर हम आसाम से हैं और हम सिटी यहाँ रांची में ऑडिशन देने के लिए आए हैं, बहुत परेशान है, एड्रेस नहीं मिल रहा। तो ऐसा आप लोग नहीं करें, क्योंकि जब तक एड्रेस नहीं मिलता है तब तक आप लोग कहीं पर भी ऑडिशन देने जाते हैं तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा। तो वीडियो देख लेंगे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द न्यू अपडेट के साथ। अगर जैसे सुपर डांसर का या किसी भी डांस रियलिटीज होगा, ऑडिशंस वगैरह के शो के आएंगे, जैसे ऑडिशंस आपको हम बताएंगे हमारे इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर वैसे डांसर्स के पास पहुँच जाएंगे जिसको आज तक ऑडिशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ऑडिशन के डेट पता नहीं चलते हैं, आज तक कोई ट्रैक नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी भी डांसर को एक ट्रैक दिला सकता है। वीडियो में थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। And we gonna let it...